कर दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी के पूर्व अध्यक्षों को डिनर पर बुलाया। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की आगामी रणनीति बनने की चर्चा है। वहीं कमलनाथ की इस डिनर डिप्लोमेसी पर भाजपा निशाना साध रही है। भाजपा का कहना है कि कमलनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए डिप्लोमेसी में लगे हैं। तो एक बार फिर से कांग्रेस इन दिनों सुर्खियों में है। कमलनाथ ने तमाम पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को खाने पर बुलाया है, डिनर पर बुलाया है और इस डिनर पर आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होने वाली है। आपको बता दें 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अभी से अपनी कमर कसे हुए हैं। बीजेपी जहां पर कैंपेन चला रही है तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने तमाम अधिकारियों को, तमाम बड़े नेताओं को जिनसे उनका संपर्क टूट चुका था, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने के साथ साथ उन्हें डिनर पर इनवाइट किया है। अब ये डिनर होगा या फिर डिप्लोमेसी, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये बैठक और ये डिनर काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2023 में किस तरीके से मंथन होगा, किन विषयों पर चर्चा होगी, किन बातों को लेकर रणनीति बनेगी, ये इस डिनर पर ही निकल कर सामने आएगा। पूरी तरह प्रदेश के सारे नेता मिशन 2000 की तैयारी में लग गए हैं और कल ही माननीय सोनिया गांधी जी से हमारे सीनियर लीडर्स कमलनाथ जी के साथ मिले थे और पूरा अब मिशन 2023 ही कांग्रेस की हर एक्टिविटीज़ में शामिल होगा। तो उसी रणनीति के तहत आज की बैठक है और इस तरह की बैठकें सप्ताह में 15 दिन में होती रहेंगी। देखिए, डिनर डिप्लोमेसी कुछ नहीं, कमलनाथ जी के प्रति मध्य प्रदेश कांग्रेस में जबरदस्त असंतोष है। जिस प्रकार की शैली और कार्यशैली और उनकी व्यवहार शैली है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रही। अजय सिंह जी ऐसे नेता खुलकर कह चुके कि एकाध कोई पद तो हमको दे दो काम करने के लिए। अरुण यादव जी विलाप करते हैं कि मेरी फसलें 2018 से लूटी जा रही हैं। दिग्विजय सिंह जी खुलेआम धमकाते हैं कि क्या मैं आपसे पूछकर सीएम से मिलने के लिए जाऊंगा। तो ऐसी स्थितियों को संभालने, नियंत्रित करने के प्रयास करने के नाते कमलनाथ जी चाहते हैं कि डिनर के बहाने थोड़ी उनमें निडरता आ जाए, दमदारी आ जाए, जो संभव नहीं लगती, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके जिम्मेदार श्रीमान कमलनाथ जी और बंटाधार दिग्विजय सिंह जी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल जुड़े हुए हैं। दिनेश, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब उन्होंने तमाम बड़े नेताओं को डिनर पर बुलाया है। अब ये डिनर है या डिप्लोमेसी, इस डिनर को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक बाजार में, जरा बताएं। देखिए, जब कल से जब ये खबर सामने आई कि पूर्व अध्यक्षों को कमलनाथ ने डिनर पे बुलाया है, उस समय से ही मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 15 दिन पहले जब कमलनाथ ने एक बैठक बुलाई थी और पूर्व अध्यक्षों को भी उसमें बुलाया गया था, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी उसमें शामिल थे और जो कैबिनेट में जो कमलनाथ कैबिनेट के जो पूर्व मंत्री थे उनको भी उन्होंने बुलाया था। उस समय चर्चा हुई थी और यह बात सामने आई थी कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही 2023 में चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद ये भी कहा गया था कि हर 15-20 दिन बाद एक समीक्षा बैठक हुआ करेगी और 2023 जो है विधानसभा चुनाव है उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, कैसे काम किया जाए, कांग्रेस धरातल पे आके कैसे काम करे, क्या रणनीति बनाए जिससे वो जनता के बीच पहुंच सके। तो आज जो कमलनाथ ने अपने घर पर ये बैठक बुलाई है पूर्व अध्यक्षों की, जिसमें सुरेश पचौरी शामिल हैं, कांतिलाल भूरिया शामिल हैं, अरुण यादव शामिल हैं और दिग्विजय सिंह जो कि विशेष रूप से दिल्ली से आए हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं और इसके बाद ये सभी लोग डिनर करेंगे। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो ये जो डिनर डिप्लोमेसी जो कही जा रही है ये कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है जिसको लेकर उनको केंद्रीय नेतृत्व से ये निर्देश मिले हैं कि वो सब नेताओं को, जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, उनको सबको एक साथ करें और एक छतरी के नीचे आके वो कांग्रेस को जिताने का काम करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारियां देने के लिए।